दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी जो सैलरी है वो आपकी कुटुंब केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की साइड से आपके बैंक अकाउंट में आती है, और इसके अलावा अगर आपको सैलरी स्लिप जो होती है वो आपकी मेल आईडी पे नहीं आती है, तो आप अपनी सैलरी स्लिप है वो कुटुंब केयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कैसे निकालें बिना एचआर की मदद के बिना, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आ गया अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है कुटुंब केयर प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने करने के बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज पेज शो होगा। तो सबसे आप कोने में आप देखोगे तो आपके सामने थ्री एरो के लाइन शो होगी। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे आप नीचे देखोगे तो आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे जो फर्स्ट नंबर पे आपके सामने एम्प्लॉय लॉगिन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज ओपन होगा। तो यहाँ से आपसे मांगा जा रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको जो डालना होगा, आपको कंपनी की साइड से आपको एम्प्लॉय कोड दिया जाता है, तो वो एम्प्लॉय कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। और जो नीचे आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आपका जो पासवर्ड रहेगा, जो आपका एम्प्लॉय कोड है, वही आपका पासवर्ड रहेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उसके बाद आपको इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपका नाम आ जाएगा और आपका एम्प्लॉय कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे फर्स्ट नंबर पे होम है, प्रोफाइल है एंड सैलरी एंड पेमेंट। तो अगर आपको प्रोफाइल में कोई अपडेट करना है, अपना एड्रेस या कोई मोबाइल नंबर कुछ भी अपडेट करना है, तो वो अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सैलरी स्लिप निकालनी है, तो आपको इस वाले सैलरी एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको किस मंथ की सैलरी स्लिप आपको निकालनी है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको सितंबर, अगस्त, जून किसी भी मंथ की आपको निकालनी है, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगस्त मंथ की सैलरी स्लिप निकालना चाहता हूँ, तो इस पर मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद सैलरी स्लिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो सैलरी स्लिप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इसके अलावा कोई मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।